थाने से सटे भिवंडी में हादसा, 3 मंजिला इमारत जमींदोज। हादसे में 10 लोगों की मौत, 20 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। सुबह करीब 4 बजे इमारत का आधा हिस्सा गिरा, नींद होने की वजह से खुद को नहीं बचा सके लोग। मलबे में अभी 20 से 25 लोगों के फंसे होने की आशंका, राहत और बचाव का काम जारी। मलबे से एक बच्चे को बचाया गया, TDRF और NDRF की टीम मौके पर तैनात। बीती रात 1 बजे तक चली संसद की कार्रवाई, लोकसभा में गूंजा निदेशक अनुराग कश्यप पर अभिनेत्री पायल घोष के यौन शोषण के आरोप का मुद्दा। दक्षिण की अभिनेत्री पायल घोष के साथ खड़े दिखे बीजेपी सांसद रवि किशन, यौन शोषण पर कठोर कानून की मांग की, कहा 1000 सपने लेकर मुंबई जाने वालों के साथ ऐसा फिर ना हो। का एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति यह ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। रवि किशन ने कहा फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, कोई भी इंडस्ट्री हो, कहीं भी महिलाओं और लड़कियों से, दरिंदों को सौदेबाजी से बचाना हमारी प्राथमिकता। ऐसे दरिंदे, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप, आपकी बेटी नहीं है। अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष आज पुलिस से दर्ज कराएंगी शिकायत। पायल घोष के वकील नितिन सातपुते आज मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएंगे केस। पायल ने अनुराग कश्यप पर लगाए हैं संगीन आरोप। कल पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाए थे आरोप, फिल्म बॉम्बे वेलवेट में काम देने के एवज में उन्होंने जिस्मानी तालुकात बनाने की शर्त रखी थी। पायल के मुताबिक उनके इनकार पर अनुराग कश्यप ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, किसी तरह उनसे बचकर निकली। पायल पीएम मोदी को ट्वीट कर मांग चुकी है इंसाफ। पायल घोष ने यह भी कहा कि अगर अनुराग कश्यप मुझसे माफी मांगते हैं तो शायद मैं माफ कर देती, लेकिन वो अब भी बहानेबाजी कर रहे हैं जो ज्यादा गंभीर है। अनुराग कश्यप ने भी सफाई आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा मुझे चुप कराने के लिए बोला जा रहा है झूठ। पायल के समर्थन में उतरी कंगना रनौत, अनुराग की गिरफ्तारी की मांग की। अनुराग के समर्थन में आई पूर्व पत्नी आरती बजाज, लिखा आरोप पर मुझे आ रही है हंसी। तापसी पन्नू ने किया अनुराग का समर्थन, कहा फेमिनिस्ट है अनुराग। अनुराग कश्यप पर पायल घोष के आरोपों को लेकर गंभीर हुआ राष्ट्रीय महिला आयोग, अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पायल घोष से विस्तार से जानकारी मांगी। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में सुशांत की मौत का उठाया मुद्दा, फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग के बढ़ते काले कारोबार पर रेगुलेटर की मांग की। जितनी भी इंडस्ट्री, उन सबों में रेगुलेटर है। मैं आपके माध्यम से यह सरकार से मांग करना चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक रेगुलेटर हो। निशिकांत दुबे ने कहा ड्रग का काला कारोबार महज फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, हाई सोसाइटीज और स्कूल कॉलेजेस में बना चुका है पेट। NDPS कानून को मजबूती से लागू करने की जरूरत। कोरोना काल की में चौपट अर्थव्यवस्था के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिया सुझाव, फिल्म इंडस्ट्री को आगामी 3 साल तक विदेश में शूटिंग से रोका जाए। फिल्म इंडस्ट्री को आगे आने वाले के लिए विदेश में शूटिंग करने से मना किया जाए और हिंदुस्तान में ही दूसरे लोकेशन पर जो है उनको दिया जाए, जिससे कि टूरिज्म बढ़े और लोगों को रोजगार मिले। के मुताबिक NCB की पूछताछ में रिया ने अभिनेत्री सारा अली खान पर लगाए गंभीर आरोप, कहा केदारनाथ की शूटिंग के वक्त सारा के साथ सुशांत ने पहली बार ड्रग्स की हाई डोज ली। रिया के मुताबिक घर छोड़ते वक्त सुशांत से कहा आप ड्रग की लत के शिकार हैं और उससे उबरना नहीं चाहते। रिया ने NCB को दिए बयान में ड्रग को सुशांत को छोड़ने की बताई अहम वजह, कहा सुशांत से किया था फाइनल ब्रेकअप। रिया के मुताबिक मीटू आरोप लगने के बाद सुशांत का ड्रग एडिक्शन बढ़ता गया और लॉकडाउन के दौरान इसमें और इजाफा हुआ। सुशांत रिया ड्रग केस में NCB ने श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए तलब किया, भेजा समन, सुशांत की पूर्व मैनेजर रही है श्रुति। NCB ने जया साहा को भेजा समन, आज होगी पूछताछ। सुशांत की विसेरा रिपोर्ट पर होने वाली एम्स के डॉक्टर्स की बैठक टली, अब मंगलवार को होगी मीटिंग। सुशांत की बहन ने डाला नया वीडियो, आसनसोल में एक मूर्तिकार ने बनाई है मोम की प्रतिमा। राज्यसभा से पास हुआ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स बिल, लेकिन विपक्ष का विरोध जारी, राज्यसभा में कल जमकर बरपा हंगामा। राज्यसभा से पास होने के बाद केंद्र सरकार के 6 मंत्रियों ने दी बिल को लेकर सफाई, विपक्ष का आरोप किसानों को बरगड़ा रही है सरकार। कांग्रेस